तो एक तरफ लगातार लोगों का गुस्सा है, तो वही दूसरी तरफ घी विवाद को लेकर आखिर अब किस तरीके से तमाम मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। एक घी सप्लायर को दरअसल केंद्र की तरफ से नोटिस दरअसल इसमें जारी किया गया है। वहीं सैंपल फेल होने के बाद ये नोटिस जारी हुआ है, मिलावट इसमें पाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी जो जनहित याचिका है उसे दाखिल किया गया है। वहीं याचिका में मामले की जांच की मांग की गई है कि तेजी के साथ इस पूरे प्रकरण की जांच हो। दूसरी तरफ वीएचपी ने मंदिर प्रबंधन का जो मुद्दा है वो भी उठाया है। मंदिर प्रबंधन हिंदुओं को देने की मांग अब वीएचपी की तरफ से की जा रही है कि अब जो पूरा मैनेजमेंट है मंदिरों का वो हिंदुओं को दे दिया जाए, इसकी मांग भी अब तेज पकड़ती हुई नजर आ रही है। अनामिका करुक कर रहे हैं। और इस बीच आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं। दरअसल वो पूरी घटना सामने के आने के बाद से वो दुखी हैं और उनकी ओर से लगातार ये बयान दिया गया कि वो प्रतिष्ठान करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने मंदिरों में सरकार के नियंत्रण को खत्म करने की यहां पर मांग की है। और हालांकि इस बीच बड़ी बैठक की गई वीएचपी की ओर से और क्या कुछ फैसला किया गया है पूरे मंदिरों के शुद्धिकरण को लेकर मिलावट की खबर आने के बाद ये अपने आप में सवाल दरअसल बना हुआ है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये मांग है दरअसल कि जो मंदिरों पर कब्जा है सरकार का वो खत्म होना चाहिए, ये जो नियंत्रण है उसका वो हिंदुओं को दे दिया जाए। और शायद यही वजह कि साधु संत जो है वहां पे उनमें भी आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है। और देखिए इस बीच बड़ी खबर देखिए क्या है, बड़ी खबर ये है कि वीएचपी ने यहां पर अपनी मांगे रखी हैं और उनकी मांगों में क्या कुछ खास इसे बताते हैं आपको। देखिए प्रसाद अशुद्ध है, निर्णायक युद्ध है यहां पर, लेकिन वीएचपी की आखिर मांग क्या है? मंदिर पर सरकारी नियंत्रण को लेकर वीएचपी की यहां पर मांग की गई है और मांग क्या बताते हैं आपको। मांग दरअसल यह कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण के से दूर रखने की मांग यहां पर की जा रही है, यानी कि सरकार का इस पर कोई नियंत्रण ना हो, मंदिरों की रक्षा सरकार के बजाय हिंदू समाज को सौंपी जाए, ये लोगों की ओर से मांग की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में पास किया गया है प्रस्ताव, उसमें ये प्रस्ताव दिया गया है कि जो कब्जा है मंदिरों पर सरकार का वो खत्म किया जाए। सालों से उठ रही मंदिरों से सरकारी नियंत्रण को हटाने की मांग जो है उनकी वो चली आ रही है और शायद यही वजह कि एक बार फिर से ये मांग ज्यादा ऊंची हो गई है। करीब 400,000 हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है, जहां पर सरकार की ओर से ही सारे फैसले किए जाते हैं, लेकिन अब यहां पर मांग बदलने की कोशिश की जा रही है। 10 राज्यों में सरकार के नियंत्रण में 100,000 हिंदू मंदिर, तो देखिए देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर 100,000 मंदिर ऐसे हैं जहां पे सरकार का नियंत्रण है। और शायद यही वजह है यहां पर कि जो विश्व हिंदू परिषद है वो यहां पे कब्जे को खत्म करने की मांग कर रहा है, जो नियंत्रण है वो हिंदुओं को सौंपा जाए, ये उनकी ओर से मांग की जा रही है। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं के मंदिर ही ऐसे हैं जिस पर जो नियंत्रण है सरकार का चल रहा है, बाकी धर्मों में अगर बात की जाए तो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन हिंदुओं के कई मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण जो है वो है। आपको दरअसल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मंदिर हैं जहां पे जो सरकार का नियंत्रण है मंदिरों पर वो फिलहाल चला आ रहा है और जिसको लेकर के जो विश्व हिंदू परिषद है उसकी जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा किसी और धर्म में नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो नियंत्रण है सरकार का वो यहां पर दिखाई देता है। शायद यही वजह कि जो विश्व हिंदू परिषद है उनकी ओर से ये मांग की जा रही है कि जो नियंत्रण है सरकार का मंदिरों पर से वो खत्म होना चाहिए, जो हिंदू है उनको नियंत्रण सौंपा जाए, यानी कि जो मंदिर को लेकर बाकी सारे फैसले हैं, चाहे प्रसाद को बनाने को लेकर के या पुजारी के को रखने को लेकर के, साफ सफाई को लेकर, प्रशासन चलाने को लेकर के, ये सारा नियंत्रण जो है वो हिंदुओं के पास जाए, ये विश्व हिंदू परिषद की ओर से मांग की जा रही है। सिद्ध रुख करते सहयोगी सुमित का। तो आखिर क्यों हिंदुओं को तमाम मंदिरों का जो नियंत्रण है उसके देने की मांग यहां पर हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल 2000 हिंदू मठों पर सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण है जिसे अब छोड़ने की मांग हो रही है। मंदिरों की जो आय है उसका 4% हिस्सा सरकार लेती है, ये सरकार को जाता है, सरकार को संपत्ति का हिसाब देना होता है, बताना होता है मंदिर के पास कितनी संपत्ति है। वहीं तिरुपति बालाजी में सालाना 1300 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है जो सीधा सरकार के नियंत्रण में है। इसमें 85% धनराशि सरकार के खजाने में चली जाती है और सिर्फ 15% ही मंदिर को मिलती है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सिद्धिविनायक मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो सालाना 32 करोड़ रुपए का जो चढ़ावा है वो चढ़ता है, इसमें 30% हिस्सा सरकार के खजाने में चला जाता है जो चढ़ावा आता है मंदिर के अंदर। वहीं ये मंदिर की स्थिति, वहीं दूसरा मंदिर है पद्मास्वामी मंदिर जहां पर रोजाना तकरीबन 4,00,000 रुपए जो खर्च है वो होता है रोजाना। नियंत्रण की वजह से मंदिर को 2.5 लाख रुपए जो है वो मिलते हैं, जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें मात्र 2.5 लाख रुपए हिस्से में आते हैं। नियंत्रण की वजह से मंदिर को 2.5 लाख रुपए की ही जो राशि है वो मिल पाती है, उसी का जीर्णोद्धार में या फिर जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उसमें इस्तेमाल हो पाता है, और इसीलिए जो नियंत्रण है वो खत्म हो सरकार का, इसकी मांग हो रही है। एक तरफ यह अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे,
तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के नेता को नकली करेंसी गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने जाली नोट चलाने वाले गैंग के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। एनकाउंटर के बाद 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल है। पुलिस ने 5 लाख से ज्यादा जाली करेंसी को बरामद किया है और इसी के साथ आरोपियों के पास से पिस्टल, कारतूस, चोरी की कार और देसी बम भी बरामद हुआ है। लेकिन बड़ी खबर दरअसल यह है कि इस पूरे के पूरे कार्यवाही में समाजवादी पार्टी के 2 नेता भी शामिल थे, लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां पे देखिए किस तरीके से यहां पे आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो नंबर दिखा रहे हैं आपको, आरोपी नंबर 3, आरोपी नंबर 4 और कई आरोपी ऐसे पकड़े गए। इनके पास से 5 लाख नकली करेंसी के साथ जो है यहां पे तमाम पिस्टल, इसके अलावा देसी बम भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी बात दरअसल ये भी कि समाजवादी पार्टी के जो 2 नेता थे वो भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए, आरोपी हैं, लिहाजा उनको भी गिरफ्तार किया गया है। 10 गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन दरअसल सवाल ये है कि जो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए लाखों के जाली नोट मिले हैं, सपा नेता समेत 10 अरेस्ट किए गए हैं और एनकाउंटर में एक आरोपी जो है वो कई, देखिए एक नहीं बल्कि कई आरोपी घायल हो गए यहाँ पे, लिहाजा उनको व्हीलचेयर पे से यहाँ से लेके जाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है, जहाँ पे फर्जी करेंसी के मामले में 2 समाजवादी पार्टी के नेता है उनको भी अरेस्ट किया गया है। एक तरफ यह अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे, हत्या हो, लूट हो या महिलाओं से अपराध का कोई केस हो या फिर दूसरा जघन्य अपराध, हर जगह सपा का कोई ना कोई कनेक्शन सामने आ ही जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खबरें और आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। खुद प्रदेश के मुखिया आए दिन अपराधियों के साथ सपा कनेक्शन को लेकर हमले करते रहते हैं। नया मामला यूपी के कुशीनगर का है, जहां जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कैमरे के सामने हाथ जोड़कर गुनाहों से तौबा करने वाले इन बदमाशों को गौर से देखिए। ये बदमाश भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में लगे हैं। नकली भारतीय रुपयों का कारोबार करके ये बदमाश देश के खिलाफ बड़ी आर्थिक क्षति की साजिश रच रहे थे। इन बदमाशों का गिरोह यूपी और बिहार के बॉर्डर इलाकों में सक्रिय था। यही नहीं, इस गिरोह के तार सीमा पार नेपाल से भी जुड़े हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट और हथियार बरामद किए गए। लेकिन इस गिरफ्तारी में सबसे दिलचस्प बात आरोपी मोहम्मद रफी खान उर्फ बबलू का नाम है। रफी खान समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। बताया जा रहा है कि जाली नोटों का ये गोरख धंधा उसी के सरपरस्ती में चल रहा था, लेकिन रफी ये समझने में देर कर चुका था कि वो यूपी में है और यहाँ अपराध की एक ही सजा है। ये जितने भी है चाहे कहीं से भी जुड़े हो, लेकिन ये अपराध में पकड़े गए हैं, इनका आपराधिक इतिहास है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे भी इसमें कोई भी लोग हो चाहे कहीं से भी जुड़े हुए हो, कोई भी इनका बैकग्राउंड हो, अगर वो अपराध में लिप्त हैं, अगर गैंग में लिप्त हैं, इस तरीके का कृत्य करते हैं, जाली नोट, अवैध असला में, तो इन सभी को पकड़ के रगड़ के जेल भेजा जाएगा। इस कार्रवाई के बाद से एक बात तो तय है कि यूपी में अपराध और अपराधियों का एक ही हश्र है, या तो वो सलाखों के पीछे रहेंगे या फिर पुलिस की गोली का शिकार बनेंगे। गुंडों, बदमाशों के वो दिन अब लग चुके हैं जब वो राजनीतिक आश्रय तलाश कर अपने जुर्म के काले साम्राज्य को सरकार के समानांतर चलाया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बताते हैं कुशीनगर में यूपी पुलिस ने जिस सपा नेता को गिरफ्तार किया है, दरअसल उसकी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ देखी गई है और इस सपा नेता का नाम रफी खान बबलू है, जो कि समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव भी बताया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी कल यानी कि बीते दिन हुई। ये तस्वीर आप देखिए, रफी खान बबलू की तस्वीर सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ देखी गई और ये समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव भी बताया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में जाली नोटों का खेल लगातार चल रहा है,
कुशीनगर में गिरफ्तारी होती है सपा नेता की, जिसके अच्छे संबंध, घनिष्ठ संबंध सपा मुखिया के साथ बताए जा रहे हैं, नकली का जाल, और इसके बाद सवाल ही सवाल लगातार उठ रहे हैं। जनपद कुशीनगर में थाना तमकुही राज क्षेत्र में एक जाली नोटों में कार्य करने वाला एक गैंग, उसको बर्स्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। इनके पास से 5,60,000 कीमत की जाली नोट बरामद हुए हैं, साथ ही साथ नेपाली करेंसी भी बरामद हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस है, 4 सुतली बम भी इनके पास से बरामद किया गया है, और इसमें से ऐसे कई अपराधी हैं जिनके पूर्व की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसमें कुछ लोग अभी वांटेड भी है, जिस पर हमारी टीम काम कर रही है, और ऐसे जितने भी लोग इसमें सम्मिलित है उन सभी पे पकड़ के कार्रवाई इसमें फर्दर कराई जाएगी, और साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई प्रचलित कराई जाएगी। अपराध और क्रिमिनल जो सूचना थी उसकी दृष्टि से कार्य किया गया है, पॉलिटिकल एफिलिएशन की सूचना इसमें मिली है, लेकिन ये कार्रवाई कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड, जो आपराधिक में जो लिप्त हैं उन लोगों पर करवाई गई है, और अन्य भी जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे इस गैंग के, वो उन पे भी फर्दर कार्रवाई कराई जाएगी। चलिए बात करते हैं देवरिया की, जहां पर देवरिया में एक व्यापारी के घर पर कुछ बदमाशों की तरफ से हमला किया गया है। आपको बताएं कि ईंट पत्थरों से हमला यहां पर देवरिया में व्यापारी के घर को बनाया गया, जिसके बाद पूरा परिवार तत्मय है, तो वहीं कार्रवाई की बात पुलिस उस पूरे प्रकरण को लेकर करती हुई नजर आ रही है। दिखाते हैं आपको, बदमाशों ने व्यापारी के घर पर किया हमला। घर पर जमकर बरसाए ईंट पत्थर। बदमाशों के हमले से दहशत में परिवार। बदमाशों के आतंक की ये तस्वीरें यूपी के देवरिया से सामने आई हैं, जहां बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इन बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर पर हमला बोल दिया। एक दो नहीं, करीब 6 से ज्यादा बदमाशों ने ये हमला किया। बदमाशों ने व्यापारी के घर पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए, साथ ही घर के बाहर मौजूद कार और बाइक में भी जमकर तोड़फोड़ की।